जनवरी से शुरू हुए अनुष्ठान का आज पांचवा दिन है। अस्थाई मंदिर में आसीन रामलला विराजमान को आज मंदिर के गर्भगृह में लाया जा सकता है। बस दो दिनों के बाद होनी है रामलला की प्राण प्रतिष्ठा। भगवान श्री राम की प्राण प्रतिष्ठा से पहले आज भी पूरे किए जाएंगे कई वैदिक विधि विधान। आज फला दिवस और पुष्प दिवस, हवन समेत होंगे 10 अनुष्ठान। रामलला की नई मूर्ति में विष्णु के दशावतार। 5 साल के रामलला की मूर्ति की ऊंचाई 51 इंच है। पूरे मूर्ति का वजन करीब 200 किलोग्राम है। कमल के आसन पर विराजित हैं श्री राम। रामलला की मूर्ति के नीचे हनुमान जी भी बनाए गए हैं। कमल के आसन पर विराजित है रामलला। बाएं हाथ में धनुष और दाएं हाथ से आशीर्वाद देंगे रामलला। सिर पर सजेगा सोने का मुकुट। 22 जनवरी को प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम के चलते शुक्रवार शाम 7 बजे से आम श्रद्धालुओं के लिए 3 दिन तक रामलला के दर्शन बंद हैं। प्राण प्रतिष्ठा होने के बाद अब 23 जनवरी से रामलला के दर्शन कर सकेंगे। अस्थाई टेंट में शुक्रवार को अंतिम बार रामलला की विशेष आरती की गई। अब से स्थाई मंदिर में होगी भव्य आरती। 1992 से ही टेंट का बना अस्थाई मंदिर में हो रही थी पूजा अर्चना। रामलला के गर्भगृह के पट को श्रद्धालुओं के लिए बंद कर दिया गया है। 3 दिन तक पट नहीं खुलेंगे। शुक्रवार को सपरिवार राम जी की स्थापना हुई। सायं पूजन एवं दिव्य आरती भी की गई। रामलला के लिए 56 भोग का प्रसाद पहुंचा अयोध्या। मुख्य पुजारी सत्येंद्र दास के आवास पर पहुंची थाली। प्राण प्रतिष्ठा के बाद लगेगा भोग। लखनऊ के एक भक्त ने चांदी की थाली और कटोरी के साथ भेजे हैं 56। अयोध्या में दुनिया के सबसे बड़े दीपक को प्रज्वलित कर रामलला प्राण प्रतिष्ठा महा उत्सव का शुभारंभ किया जा चुका है। 7.5 करोड़ की लागत से बना है 300 फीट का दीपक। नेपाल से आया 108 चिंते। राम मंदिर के लिए वाराणसी और गुजरात से आए हलवाई और कारीगर बना रहे हैं लड्डू। वाराणसी से भारी मात्रा में आया आटा, बेसन और शुद्ध देसी घी। 45 टन लड्डू प्रसाद के लिए किए जा रहे तैयार। रामलला के दर्जी भगवत प्रसाद 31 दिसंबर से ही भगवान के विग्रहों के लिए तैयार कर रहे कपड़े। ठंड को देखते हुए हर दिन के हिसाब से 7 रंगों के अलग अलग मखमल के कपड़ों को किया जा रहा है तैयार। समारोह से पहले राम में हुआ संसार। अयोध्या में पीएससी के बैंड ने बजाई राम धुन। धुन पर जमकर झूमे हैं राम भक्त। प्रभु श्री राम की भक्ति और आस्था में सराबोर नजर आए श्रद्धालु। श्री राम जन्मभूमि पथ के पास श्रद्धालुओं के लिए भंडारे का आयोजन। एक दिन में करीब 20,000 लोगों को कराया जा रहा भोजन। रोजाना 18 घंटे चल रहा भंडारा। ज्योतिष आचार्य दाती महाराज ने प्राण प्रतिष्ठा के मुहूर्त को बताया शुभ। कहा बहुत अच्छे संयोग और ग्रहों का सटीक गणना में प्रतिष्ठित हो रहे हैं रामलला। पूरे देश में खुशी का माहौल। प्राण प्रतिष्ठा को लेकर आस्था में सराबोर हुई रामनगरी अयोध्या। प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम से 3 दिन पहले अयोध्या की सड़कों पर ढोल नगाड़ों के साथ भजन कीर्तन कर रहे श्रद्धालु। देश की पहली सोलर बोट का मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने किया शुभारंभ। नाविकों को बांटी लाइफ जैकेट। मौके पर श्रद्धालुओं ने श्री राम के जयकारों के साथ सीएम योगी का किया अभिनंदन। प्राण प्रतिष्ठा से पहले जगमगाती रोशनी से नहाया राम मंदिर। शुक्रवार को राम मंदिर लाइटों से रोशन हुआ। रामलला प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम के अंतिम दौर में है तैयारियां। अयोध्या में राम मंदिर प्राण प्रतिष्ठा समारोह से पहले सरयू घाट पर भव्य दीपोत्सव का आयोजन हुआ। श्रद्धालुओं की उमड़ रही है भारी भीड़। जगमगाते दियों से रोशन नजर आया सरयू। रामलला की प्राण प्रतिष्ठा की तैयारियों के बीच अयोध्या नगरी में भक्ति का अलग ही नजारा देखने को मिला। देश दुनिया से आए श्रद्धालु कर रहे भजन कीर्तन। अयोध्या में जय श्री राम की गूंज सुनाई दे रही है। अयोध्या में आस्था और भक्ति का अद्भुत नजारा। राम भक्ति में डूबे श्रद्धालु प्राण प्रतिष्ठा को लेकर जोरों पर तैयारी कर रहे हैं। लता मंगेशकर चौक पर भी भारी सुरक्षा व्यवस्था। चप्पे चप्पे पर राजस्थान सरकार ने भगवान रामलला की प्राण प्रतिष्ठा को लेकर बड़ा फैसला किया। 22 जनवरी को प्राण प्रतिष्ठा के दिन प्रदेश में बंद रहेंगे बूचड़ खाने। मांस की दुकानें भी बंद रहेंगी। 22 जनवरी को रिलायंस इंडस्ट्रीज बंद रखेगा देश भर के अपने दफ्तर। प्राण प्रतिष्ठा को लेकर कर्मचारियों को दी छुट्टी। मुकेश अंबानी ने की सार्वजनिक अवकाश की घोषणा।
मध्य प्रदेश में 22 जनवरी को बंद रहेंगे स्कूल। अयोध्या में रामलला की प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम के आयोजन को प्रदेश सरकार ने स्कूलों में 22 जनवरी को छुट्टी का ऐलान किया। दिल्ली के जामिया मिलिया इस्लामिया में 22 जनवरी को हाफ डे का ऐलान। अयोध्या में होने वाली रामलला की प्राण प्रतिष्ठा को लेकर दोपहर 2:30 बजे तक बंद रहेगा यूनिवर्सिटी में कामकाज। 22 जनवरी को महाराष्ट्र में सार्वजनिक छुट्टी का ऐलान किया गया। मंत्री मंगल प्रभात लोढ़ा ने सरकार के फैसले पर खुशी इजहार की। सीएम एकनाथ शिंदे को पत्र लिखकर सार्वजनिक अवकाश की मांग की। एबीपी न्यूज़ आपको रखे आगे।